स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। चलो दोस्तों पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते दोस्तों। इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीजा निकाल लिया है। Dubai, which has introduced a 5-year multiple entry visa for Indians, which essentially means that Indians who are likely to apply for a visa service, want to go to Dubai, may be able to do so by issuing an application. Dubai ne 5 saal ke liye multi visa entry kar di hai Indians ke liye aur isi ke saath saath agar hum Saudi ki baat karte hain, Saudi ne 96 ghanton ke liye visa free entry kar di hai Indians ke liye taaki unki country mein Indians ki tadad ko badhaya ja sake aur unki economy ko Indians ka support mil sake. Hamare liye visas par restriction lagayi ja rahi hai, ban kiye ja rahe hain wahan par को प्रेफरेंस दी जा रही है, वीजा फ्री एंट्री की जा रही है, अरब ममालिक के अंदर क्या उनकी इंपॉर्टेंस बन चुकी है, हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा जो है वो इंडिया के लिए दिया है, 2 से 5 दिन में ये वीजा मिल जाता है और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 90 दिन तक होता है और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। के मिडिल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी है कि भाई पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तब भी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। हाँ, अरब कंट्रीज हैं लेकिन हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहे। हाँ, वो अपने आप को बहुत डोमिनेंट और पावर में फील कर रहे हैं, हमें बहुत कीड़ा लाइक समझ रहे हैं और हमें बस निगेट करना चाह रहे हैं, वो हम पे चढ़ना चाह रहे हैं। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीजा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडिल ईस्ट को और इंडियंस जब मर्जी दिल करें उनका जा सकते हैं। तो कैसे क्या वजूहत है कि हमारे वीजा बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहां पर फ्री वीजा मिल रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है भारत और यूएई के रिलेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, चाहे वो व्यापारिक रिलेशन हो, चाहे वो लोगों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे दोनों देश के लीडर के बीच की बातचीत हो, सब कुछ भारत और यूएई के बीच एकदम ऑन द टॉप है। यूएई ने एक बड़ा फैसला लिया है कि भारतीयों के लिए ऑन अराइवल वीजा मिलेगा 5 सालों के लिए, यानी अगर कोई भारतीय चाहे तो 24 से 48 घंटे के अंदर उसे यूएई का वीजा मिल सकता है 5 साल के लिए। 5 साल में वो चाहे तो कितनी बार यूएई से भारत आ सकता है और भारत से यूएई जा सकता है, ये सुविधा भारत के लोगों को 24 से 48 घंटे में ही मिल जाएगी। दोस्तों यूएई ऐसा देश है कि अगर साउथ एशिया से कोई व्यक्ति ट्रैवल करना चाहता है तो उसके लिए वीजा मिलने के लिए यूएई में कम से कम 5-5, 6-6 महीने लगते हैं। भारत के लिए भी पहले कम से कम 4 महीने लगते थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं थी, या आज से 5 साल पहले 5 से 6 महीने लगते थे भारतीयों का वीजा अप्रूव होने के लिए। अब यूएई में 24 से 48 घंटे में 5 साल का वीजा भारतीयों के लिए अप्रूव हो जाएगा और इसको बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं पाकिस्तानियों की बात किया जाए तो 13-14 महीनों में पाकिस्तानियों का वीजा अप्रूव होता है, वरना होता ही नहीं है। तो आप लोग देख लो कि मुस्लिम दुनिया में भारत ने किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी इमेज बनाई है कि एक भारतीय मुस्लिम भाई को या एक भारतीय को 24 से 48 घंटे में वीजा, पाकिस्तानी बांग्लादेशियों को 2-3 साल में वीजा मिलता भी नहीं है। दोस्तों इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीजा निकाल लिया है। इससे पहले आपको पता है कि ईरान भी ऐसा ही ऑन अराइवल वीजा दे रहा है। मुझे पता है कि पाकिस्तान से दुबई का वीजा लेना और मुश्किल है, लेकिन दुबई ने 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीजा जो है वो इंडिया के लिए दिया है, 2 से 5 दिन में ये वीजा मिल जाता है और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये 90 दिन तक होता है और फिर ये आगे भी एक्सटेंड हो सकता है फॉर अनदर 180 डेज। वो कहते हैं ना कि नेशंस डू नॉट लव नेशंस, दे लव देयर इंटरेस्ट। आई थिंक जॉन मीरशाइमर ने ये बात की थी। क्वेश्चन ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो या सऊदी अरेबिया हो, उनको पाकिस्तान से या नाइजीरिया से या बांग्लादेश से या इंडिया से कोई प्यार नहीं है, उनको प्यार है अपने इंटरेस्ट। सेम इज़ इन आर केस, सेम इज़ इन इंडियाज केस। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीज़ा दिया जा रहा है इंडियंस को, तो ये नरेंद्र मोदी की जो एक पॉलिटिकल विजन है प्लस उन्होंने इंडिया को इतना रेलिवेंट प्लेयर बना दिया है कि दी सऊदीज हैव नो चॉइस बट टू ऑफर सच काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है जी। सो आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल कहा जाता है कि शायद पिछले एक साल के अंदर मैं देख रहा था जो दुबई का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म है वो कहते हैं हमने 2.46 मिलियन जो है वो विजिटर्स आए
2023 के अंदर, बड़ी तादाद है। और ये जिसे कहते हैं ना कि 1.84 मिलियन टूरिस्ट ज़्यादा हैं 2022 से। सो बड़ी तादाद में लोग जो है वो दुबई जा रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी फॉर एग्जांपल कई लोग वोकेशंस के लिए जाते हैं, कई लोग वैसे जाते हैं। अभी नरेंद्र मोदी दुबई में एक मंदिर का अफ्तताह करके आए हैं। सो जिसे वो कहेंगे ना आप के ये एक स्ट्रगल फॉर पावर है कॉन्टीन्यूसली, और जो स्ट्रगल फॉर पावर है वो इसी तरह होती है कि कभी इकोनॉमी के लेंस में, कभी पॉलिटिकल लेंस में, कभी आप इस अंदाज में देख रहे होते हैं कि हमें ऐसे वीज़े देने से हमारी मार्केट बेहतर होगी, हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, इंडियंस आएंगे। दो तरह के इंडियंस आएंगे, एक वो जो घूमने फिरने अयाशी करने आएंगे, टूरिज्म करने आएंगे, एक वो जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आएंगे। क्वेश्चन ये है कि हमने 70-75 साल सारी इस्लामिक दुनिया को सिर्फ और सिर्फ मजहबी लेंस से देखा है, क्योंकि हमारे पास मजहब के अलावा कुछ लेंस देखने का था ही नहीं। हम समझते थे कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, पाकिस्तान एक मुसलमान कंट्री है, और ये मुसलमान हिंदू ऐसे ही रहेगा, और हम जो है वो सऊदी अरब और यूएई और कतर और कुवैत और जीसीसी और इन सब को डराते रहेंगे, इन सब को डराते रहेंगे। दिस इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग इन द पास्ट। ये वो कहते हैं कि हम तो डराते रहेंगे भाई, कहते रहेंगे कि यार आप जो है ना वो इंडिया में हिंदू रहते हैं, इन हिंदुओं का हमारे से क्या लेना था, हम तो मुसलमान हैं, हम तो जहाद करेंगे, हम तो इकट्ठे रहेंगे, हम तो इनको नॉन मुस्लिम समझते हैं, हमारा दीन अलहदा, हमारा मज़हब अलहदा, हमारी होली बुक अलहदा। लेकिन जैसे जैसे नेशन से सिस्टम मजबूत हुआ, जैसे जैसे हमें ये पता चलता गया कि और अरबों को भी पता चलता रहा, तो अरब्स क्योंकि वहाँ पे वन मैन रूल है, एक बंदे ने फैसला कर लिया एंड दे डिसाइडेड इट। हमारा ये है कि यहाँ चूचू का मरबा है, एक बंदा इधर जाना चाहता है, एक दाएं जाना चाहता है, एक बाएं जाना चाहता है। हमें दुनिया क्यों धुतकार रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सऊदीया ने वीजा फ्री एंट्री की भारतीयों के लिए, क्या कहते हैं आप, उनमें और हम में क्या फर्क है? हम में उनमें मुझे लगता है कोई फर्क नहीं रह गया। आई थिंक कि डेमोक्रेसी उनके उनके पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा है, और मुझे लगता है कि उनकी मानी जाती है, वो अपने अपनी बात को मनवाने में बहुत कामयाब है। हम लोग कहाँ स्टैंड करें आप लोग खुद देख लें कि हमारे फेयर इलेक्शंस ही नहीं हुए, इलेक्शंस पे ही आप देख लें कि हमारी सारी टॉक वहीं पे ही ख़त्म हो जाती है, धांधली है, हमारी डेमोक्रेसी कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रही। हम खुद से ही लड़ रहे हैं तो हम दुनिया से क्या लड़ेंगे? ऐसा क्या है इंडियंस में कि पूरी दुनिया उनके पीछे पागल है, उनको वीज़ा फ्री एंटर कर रही है अपनी कंट्रीज़ में? आई थिंक इंडिया इज़ अ ग्रेट कंट्री, और इंडिया जितनी तरक्की कर रही है, जितना उनका लेवल है, हम तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं कर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टेट बैंक में उनका जो रुपया का करेंसी जो है उनकी बहुत हाई लेवल पे जा रही। बात करने का पर्पस है कि अभी की न्यूज़ आई है जिस न्यूज़ के मुताबिक के मिडल ईस्ट ने पाकिस्तानियों को वीज़ा देने पर शराइत लगा दी हैं कि भाई अब पाकिस्तानी की अगर तालीम 12वीं होगी तभी कोई कंपनी में उसको जॉब दी जाएगी या ग्रेजुएशन वाले को दी जाएगी। दूसरी तरफ इंडियंस की अगर बात करें तो इंडियंस के साथ उन्होंने मुआहदा करने जा रहे हैं टूरिज़्म को प्रमोट देने करने के लिए कि भाई 5 साल के मल्टीपल वीज़ा एंट्री दी जाएगी कि आप जब मर्जी 5 साल में आ जा सकते हैं मिडल ईस्ट को, और इंडियंस जब मर्जी दिल करें उनका जा सकते हैं। तो कैसे क्या वजूहत है कि हमारे वीज़ास बंद कर दिए, पाबंदियां लगा दी, शराइत बढ़ा दी, इंडियंस को वहां पर फ्री वीज़ास मिल रहे हैं? इसकी मेन जो दो फैक्टर्स है वो ये है। नंबर एक तो इंडिया में ना जो तालीम का मियार है बहुत ज़्यादा है, सबसे बड़ी बात ही पहले हमारे मुआशरे में तालीम का जो फुकदान है। तो दोस्तों भारत की वैश्विक पावर देख के अब लगभग पाकिस्तान और चाइना को छोड़ के सभी देश हर मंच पर भारत की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। दोस्तों चाहे जो हो, हमें ये बात मानना पड़ेगा कि आर्थिक विकास और देश की जो आउटर शक्ति है, जो बाहरी शक्ति है, देश की जो अंतर्राष्ट्रीय इमेज है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही जबरदस्त तरीके से सुधरी है। पहले दोस्तों भारत को कोई ऐरा गहरा देश डांट के निकल लेता था, भारत के नेता लोग कड़ी शब्दों में बस निंदा कर देते थे, हो जाता था काम। इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी। भारत का जो पासपोर्ट है अभी पिछले 5 सालों में 10-15 स्थान का छलांग मारा है, नहीं तो भारत का पासपोर्ट पाकिस्तान के साथ मैच करता था, बहुत बुरी स्थिति थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब कई ऐसे देश हैं जो इनिशिएटिव ले रहे हैं कि भारतीय लोगों के लिए वीजा फ्री किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर मंच पे जाके
भारतीय परंपरा, भारतीय कल्चर्स, भारत के लोगों के बारे में दुनिया को बताया। पहले दुनिया हमारी शिकायतें किया करती थी, अब दुनिया को हम बताते हैं कि दुनिया को भारत देता क्या है। दुनिया से भारत कुछ नहीं लेता, भारत दुनिया को देता है। और दोस्तों, रिस्पेक्ट उसी की होती है जो कुछ कंट्रीब्यूट करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल मंचों पर बताया कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया में कंट्रीब्यूट करती है। इसलिए भारतीयों को हर जगह चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, इज्जत नहीं मिलेगी तो कैनेडा वाला हाल होगा, पाकिस्तान वाला हाल होगा, और किसका वाला, चाइना वाला हाल होगा। ठीक है, इसीलिए भारतीयों की हर जगह रिस्पेक्ट हो रही है। ठीक है, कई मौके पे जब यूएसए और यूरोप के देश अपने आप को छोड़े बनते तो भारत सनअप भी कर देता है। ठीक है, रूस के साथ हो और इसराइल के साथ हो, सबके साथ भारत ने अपने आधार पर, अपने शर्तों के आधार पर समर्थन किया है, ना कि किसी के कहने पे। भारत को सही लगा तो भारत ने रूस का समर्थन किया, भारत को सही लगा तो भारत ने इसराइल को समर्थन किया, और भारत को सही लगा तो भारत ने कहा इसराइल गलत भी कर रहा था। ठीक है, तो भारत की दिलेरी देख के अब कई देश भारत के साथ जुड़ते जा रहे हैं। भारत किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बन रहा, भारत खुद एक ब्लॉक बना रहा है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।